अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज पांचवी जमात में आज हम एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 3 गंगा। इसके शायर कौन है बच्चों? हफीज़ जालंधरी। इन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो बच्चों, इस नज़म को बयान करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, आज हम पंजुम जमात में नज़म नंबर 3 गंगा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर कौन है? हफीज़ जालंधरी। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो चलो उनका हम तारुफ भी ज़रा रोशनी डालेंगे। उनका तारुफ क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई थी? 14 जनवरी 1900 में उनकी पैदाइश हुई थी। उनकी वफ़ात कब हुई थी? 21 दिसंबर 1982 में हुई थी। वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर थे। तो हफीज़ जालंधरी के बारे में हम जानेंगे ज़रा। अबुल असर हफीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो कहाँ पे पैदा हुए थे? पंजाब में। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे, मतलब उनको शेर व शायरी का बहुत शौक था। जैसे आज आपने देखा होगा जो मुसन्निफ होते हैं और जो शायर होते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे शायर लिखते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, और बड़ों के लिए भी लिखते हैं। उनकी सबसे मशहूर नज़म शाहनामा इस्लाम है। जैसे इस्लाम से ताल्लुक़ से और ऐसे मजाकिया के तरीके से ऐसी बहुत तरह तरह की वो नज़में बच्चों के लिए लिखते थे और बड़ों के लिए भी लिखते थे। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मज़लूम किया गया है। मतलब उन्होंने इस्लामी मौज़ू पे उन्होंने भी शेर लिखा था कि जो इस्लाम से रिलेटेड हो, इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हो, पैगंबर से लेके अल्लाह से ताल्लुक़ रखती हो। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में नज़में गीत भी लिखे हैं। मतलब उन्होंने तरह तरह की बच्चों के लिए नज़में भी लिखी और गीत भी लिखी। जैसे हम गाना जिसको बोलते हैं, गीत भी लिखी। उनकी शायरी के मजमू नगमाज़ार और सूजो साज मशहूर है। उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, मतलब उतने अच्छे शायर थे। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की नज़में लिखी थी, गीत लिखे थे, और उन्होंने उनके शायरी के मजमू मतलब होता था, मतलब उनकी शायरी लोग इतना पसंद करते थे। उनका एक मजमू इकट्ठा होता था, एक मजमू बनता था। लोग दूर दूर से उनकी शेर व शायरी सुनने के लिए आते, उनकी नज़में गीत सुनने के लिए आते थे। और उनका इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। अब वो किस नाम से मशहूर थे? सूजो साज में मशहूर थे। दरिया गंगा की तारीख में लिखी गई ये नज़म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की हकीकत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। नियाती सादा जबान में कही गई इस नज़म में रवानी बहुत है। अभी उन्होंने किस पे नज़म लिखा है? गंगा हम किसको बोलते हैं? जैसे हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना को दो बहनें कहा जाता है। जैसे समंदर और जो दरिया है, जो उन्हें हम गंगा जमुना को हम क्या बोलते हैं? दोनों बहनें ने हिंदुस्तान से मतलब कितनी अच्छी दरियाए गंगा के बारे में बयान किया है, दरियाए गंगा की तारीफ की है कि ये हिंदुस्तान की बहुत ही अच्छी दरिया है। जैसे आपने सुना होगा गंगा जमुना को हम बहनें बोलते हैं। मतलब एक गंगा जो दरिया का नाम है, दूसरी जमुना जो दूसरी दरिया का नाम है। मतलब वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की दरिया के बारे में उन्होंने तारीफ़ की है। जैसे गंगा दरिया के बारे में उन्होंने तारीफ बयान की है। तो चलो हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। मतलब उन्होंने किसकी तारीफ़ की है? गंगा, जो दरिया का नाम है। और जैसे गंगा जमुना, आपने दोनों दरिया का नाम सुना कि दोनों बहनें कहलाती हैं। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए सो आबशार गंगा। जैसे आपने गंगा दरिया का नाम तो सुना होगा, जैसे वो हमारे हिंदुस्तान के ताल्लुक में आती है, हिंदुस्तान में है। लेकिन आपने जैसे गंगा जमुना दोनों दरिया का नाम है, दोनों बहने कहलाती है। तो इसमें जो शायर है वो गंगा दरिया की तारीफ़ कर रहा है कि जो गंगा दरिया बहुत ही शानदार है, पुरबहार है। मतलब उसकी जो लहरें हैं उछल उछल कर आती है, उसकी जो पर्वतों को छूती है, उसकी लहरें। जैसे पर्वतों को किसको बोलते हैं हम? पहाड़। उसमें तरह तरह के पहाड़ है, उसके पहलू है। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, मतलब पत्थर कैसे बहते हैं? जैसे जो भी मतलब दरिया के आगे जो पत्थर आते हैं, जो भी ख़राब जैसे पत्थर आते हैं, कचड़े आते हैं, तो वो जो दरिया का जो बहाव रहता है वो तेज़ी से उसे बाहर उठा के फेंक देता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो दरिया का बहाव बहुत तेज़ी से रहता है,
समंदर जब दरिया से पानी बहता है, दरिया में आने वाले जो पानी होते हैं, कचड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, वो तेजी से बह जाते हैं। कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, एक राम में बनाए सौ आबशार गंगा। मतलब इसकी जो नहरें हैं, लहरें हैं, इतनी तेज़ी से उठती है कि पर्वतों तक छूती है। जैसे गंगा दरिया की जो लहरें हैं जब वो उठती है तो वो पर्वतों तक छूती है। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, जंगल पहाड़ जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी और फूलों को जर दिया है। सिराब कर दिया है हर लाला जार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरगहार, एक पुरबहार लाला जार गंगा, ए शानदार गंगा, एक पुरगहार गंगा। यहाँ पे भी शायद उसकी जो लाइन में है जो क्या वापस से उसकी दरिया गंगा की तारीफ कर रहा है कि दरिया गंगा के आसपास जो पहाड़ पौधे वो बहुत ही खुशमिजाज नज़र आ रहे, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे। अब तरह तरह के नक्शे जमाए, जैसे आपने देखा होगा जब दरिया गंगा के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र है। मतलब जो नक्शा है, जब जैसे जब उस दरिया गंगा पे बहाव बहता है, ऊँचे ऊँचे दहरे पर्वत तक छूती है, तो वो नज़ारा हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दरिया, मतलब जैसे गंगा बहती तो खेत जो हैं वो भर जाते हैं। पौधों को जान दी फूलों को जर दिया, मतलब पौधों को कैसी जान दे देती है और फूलों को जर दिया, मतलब फूलों और खुशनुमा नज़र आते, खुश नज़र आते। सिराब कर दिया है हर लालाजार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुहार गंगा, ए पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं। फूलों भरे किनारों पैरों को चूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किन्नों के हार तुझ पर, और करती हवाएं नक्श व निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरगहार गंगा। मतलब यहाँ पे जो शायर है वो आखिरी लाइन में क्या दरिया गंगा की तारीफ कर रहा है कि जब रात होती है, जब रात का मंजर हम देखते हैं तो रातों की चांदी, मतलब वो रातों को जो चांदनी रहती है वो भी खुशमिजा, वो भी मतलब वो जो तारे हैं वो चमकदार नज़र आते हैं, और जो लहरें हैं वो मतलब जो लहरें हैं उस रातों की चांदनी में झूमते हैं। जो जैसे दरिया गंगा की जो लहरें हैं, जब रात का मंजर होता है, जब रात हो जाती है तो रात में जो चांद सितारे चमकते नज़र आते हैं, वो लहरें जो है चांदनी रात में झूमते हैं। फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते, जो फूल है खिले हुए हैं वो मतलब जो दरिया के किनारे हैं उसको पैरों को चूमते। सूरज बिखरता है किरणों के हार तुझ पर, मतलब सूरज सुबह सुबह उगता है, जब उसकी किरणें दरियाए गंगा पे पड़ती है तो उस पर हार तुझ पर, मतलब वो हार पहनाता है। जैसे दरियाए गंगा को क्या हार पहना रहा है, जैसे सुबह जब सूरज उगता है, सूरज की किरणें जब सुबह निकलती है तो वो दरियाए गंगा पे क्या कर रही है, दरियाए गंगा को हार पहना रही है, खूबसूरत सा हार पहना रही है। करती है हवाएं नक्श और निगार तुझ पर, मतलब हवाएं जो हैं जो वहाँ पे जो बिखर रही है, हवाएं जो तेज़ी से चल रही है, मतलब उस पर नक्श व निगार का नक्शा कायम कर रही है। सभी निसार तुझ पर, सभी निसार गंगा, मतलब सब तुझ पे बहुत ही खुश है, सब की तेरी खूबसूरती का मंजर देख के लोग, मतलब जो है पहाड़ पौधे सूरज और ये रात की चांदनी चांद सितारे बहुत खुश हो रहे हैं, खुशमिजाज नज़र आ रहे हैं। ए शानदार गंगा, ए पुरगहार गंगा, मतलब उसने शायर ने दरियाए गंगा की तारीफ बताई है कि दरियाए गंगा बहुत ही खूबसूरत दरिया है हिंदुस्तान में जो ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पे बच्चों आप तस्वीर देख सकते हो, ये दरियाए गंगा की तस्वीर है, जब उस पर लहरें बहती है तो पर्वत तक छूती है, उसके आसपास जो पौधे हैं और पहाड़ हैं, दरख्त है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज रात होती है तो रात में जो चांद सितारे रहते हैं और जो दरियाए गंगा की लहरी वो झूमती हैं, और जब सूरज की किरणें मतलब क्या करती है, दरियाए गंगा को हार पहनाती है और सब झूमने लगते हैं, ये मंज़र हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। चलो इस नज़म के हम मायने भी देखेंगे, नज़म के मायने क्या है। गंगोत्री हिमालय का वो मुकाम जहाँ से गंगा निकलती है, जैसे गंगोत्री क्या है, हिमालय का वो मुकाम जहाँ से गंगा निकलती है। जैसे आपने हिमालय पहाड़ के बारे में सुना होगा, हिमालय पहाड़ जो बहुत ही पर्वत तक छूता है, पर्वत पहाड़ को बोलते हैं। पहलू बदलना मुराद दरिया का लहरा लहरा कर बहना, मतलब दरिया का पहलू बहना।
नक्शे जमाए तूने मुरादिया को गंगा जहाँ जहाँ से बहती है उन लाखों को सब सब जो शादाब कर दिया। गंगा बहाना सखावत करना बहुत ज़्यादा दे देना, जैसे गंगा फ़ायदा पहुँचाना, जैसे हमने बोलते हैं ना गंगा बहा दी, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दी, बहुत ज़्यादा दे दिया मतलब ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दिया। फूलों को जर दिया है मुराद, फूलों की तरह तरह के रंग रूप से सजाया है, जैसे जब दरिया का बहाव होता है दरियाए गंगा में तो फूलों का जो रंग है वो बदल जाता है। सैराब करना पानी से भर देना, लालाजार चमन बाग मतलब खुशनुमा नजर आने लगते हैं। नक्शो निगार करना मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों बनना, नक्शो निगार यानी पानी में लहरों का बनना। निसार होना कुर्बान होना मतलब कुर्बान होना। चलो बच्चों इस नज़म को हम एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 3 गंगा, दरियाए गंगा जो है हिंदुस्तान में ताल्लुक़ रखती है और ये इसके शायर कौन हैं, हफीज़ जालंधरी, उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है और दरियाए गंगा की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, तो चलो हम इसको इसे एक बार दोहराएंगे, वापस से दोहराएंगे। ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली है कैसी उछल उछल कर, पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। इकराम में बनाए जो 100 आबशार, ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा। जंगल बाहर छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और तरह के नक्शे जमाए तूने, गंगा भाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दिए फूलों को जर दिया है, सिराब कर दिया है लालाजार गंगा ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, सूरज बिगड़ता है किन्नों के हार तुझ पर, करती हवाएं नक्श निगार तुझ पर, सब निसार तुझ पर, सब निसार गंगा ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी नज़म नंबर 3 गंगा पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।